हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ गीतांजलि। टुडे वी गोइंग टू लर्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो स्टूडेंट, लेट स्टार्टेड। आवर चैप्टर नेम इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। सो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी और उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो बच्चों, लेक्चर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, बायो मीन्स लिविंग होता है, ये सबको हम सबको तो पता है। ठीक है, टेक्निक मतलब जो मशीन्स वगैरह होती है। ठीक है, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में देखते हो, जैसे MRI करते हो, फिर CT स्कैन करते हो, वो सब क्या है? वो हमारा टेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी डील होता है हमारे इंडस्ट्रियल स्केल से, जिसकी मदद से क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं हमारे बायोलॉजिकल, मतलब बायोलॉजिकल, और यूज़ करते हैं जेनेटिकल, ताकि मॉडिफाई कर सके हमारे माइक्रोब्स का, फंजाई का, प्लांट्स का और हमारे एनिमल्स का। ठीक है, ताकि वो बेटर फंक्शन कर सके और उनको बेटर इम्प्रूव कर सके। तो ये सब विद द हेल्प ऑफ मशीन्स इज़ नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। सो बच्चों, इसके कुछ एप्लीकेशन होते हैं, जो एप्लीकेशन मतलब एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमें किस किस में यूज़ होता है, जैसे कि थेरापिटिक्स में यूज़ होता है, डायग्नोस्टिक में यूज़ होता है। ठीक है, और मॉडिफाई करते हैं हमारे क्रॉप्स को, ताकि एग्रीकल्चर के लिए अच्छा हो। ठीक है, प्रोसेस फूड में भी हेल्प करता है, फिर बायो रेमिडेशन में भी हेल्प करता है, वेस्ट ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है, फिर एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। सो बच्चों, आज के ज़माने में बायोटेक्नोलॉजी के बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी बन गया, ताकि हम इम्प्रूव कर सके हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ताकि वो बेटर फंक्शन कर सके, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे क्रॉप्स को अच्छा बनाना हो, मेडिसिन अच्छा बनाना हो, प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स। ठीक है, तो उन सबको क्या करना है, उन सबको इम्प्रूव करना। कभी कभी आपने देखा होगा, जो एप्पल है, ठीक है, एप्पल में पहले इंसेक्ट लग जाता था, तो वो मतलब ख़राब हो जाता था, बट आज के टाइम में टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसमें देखोगे कि एप्पल में जो उसकी लेयर होती है, ठीक है, तो वो थोड़ी हार्ड होती है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज़ किया है ना, तब ऐसी करके बहुत सारी चीज़ से हमें मदद मिला है, जो कि टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ करके, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है हमारे मॉडर्न ज़माने में, ताकि ये इम्प्रूव कर सके हमारे माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स का भी। ठीक है बच्चों, अब है हमारा कुछ 3 कैटेगरिया, ठीक है, जो रिसर्च करते हैं हमारे, मतलब बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें इंक्लूड है, पहला है हमारा बेस्ट, मतलब कि जो मतलब को प्रोवाइड करना, बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है, ताकि वो इम्प्रूव कर सके ऑर्गेनिज्म को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम की मदद से भी। ठीक है बच्चों, सेकेंड है हमारा क्रिएटिंग ऑप्शन कंडीशनल थ्रू इंजीनियरिंग फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट। बच्चों, जो मतलब कि क्रिएटिंग करते हैं हम ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं, ताकि जो इंजीनियर होते हैं ना, वो कैटलिस्ट को एक्ट कर सके। ठीक है, फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि प्योरीफाई करते हैं हमारे प्रोटीन और हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ओके बच्चों अब है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। सो बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो हमारा जो एग्रीकल्चर है, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो एग्रीकल्चर की मदद से हम पहले करेंगे, देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बायोटेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, तो हम सबसे पहले देखेंगे फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना। ठीक है बच्चों, जिसमें पहला आता है एग्रोकेमिकल बेस्ड, जो कि हमारे किस में बेस्ड है, एग्रीकल्चर में, फिर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर है हमारा जेनेटिकल इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है बच्चों, अब मतलब कि इसमें पहला पॉइंट है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो बच्चों, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, आप सब ने सुना है। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन ये था ताकि इंक्रीज कर सके हमारे फूड प्रोडक्शन को, और बेटर कर सके उनके मैनेजमेंट पार्टिकल्स को विद द हेल्प ऑफ एग्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स की मदद से। बच्चों, पहले के टाइम में क्या था कि बहुत फूड की, अनाज की बहुत ज़्यादा कमी थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिर टेक्नोलॉजी उतना नहीं था ना, मतलब उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, बट आज
आज के टाइम में टेक्नोलॉजी की मदद से सबसे पहले क्या प्रोटेक्शन किया है, सबसे पहले फूड का प्रोटेक्शन किया है ताकि कोई इंसान भूखा ना रहे और सबको सबको खाना मिले, ठीक है। मतलब कि चावल है, चावल चावल भरपूर मात्रा में हर जगह पाया जाता था ताकि हर इंसान खा सके, ठीक है। पहले के ज़माने में अगर लगाते थे तो पेड़ नहीं होता था, कीड़े खा जाते थे, इंसेक्ट खा जाते थे, ठीक है। तो आज बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो हमारा जो क्रॉप है, ठीक है, तो वो हमारा इम्प्रूव हो गया है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो जो खेत होता है, ठीक है, खेत में क्या देते हैं, केमिकल्स वगैरह देते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छा प्लांट ग्रो कर सके। तो ये क्या है, तो ये तो उसी को, मतलब हर जगह ग्रीन ग्रीन हो तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। बच्चों ग्रीन रिवोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता भी है, कभी कभी पूछते व्हाट इज़ ग्रीन रिवोल्यूशन, तो आपको ये बताना है, ठीक है। और जो ये था, ये इंक्रीज़ तो कर सकता था प्रोडक्शन, बट ये पॉसिबल हुआ इस मेथड से, बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से, ठीक है बच्चों। बच्चों जैसी मतलब कि जेनेटिकल मॉडिफाई हुआ है, कॉपर यूज्ड हुआ है, उसमें हमारा प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल्स जिनका जीन जो कि मतलब कि मैनिपुलेट हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GMO, ओके। और ये जो GMO प्लांट है, ये इनमें बहुत सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं, ठीक है। ये जो क्रॉप्स है जो कि बहुत ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं हमारे एबायोटिक स्ट्रेस को भी, ठीक है, और ये रिड्यूस क्या करते हैं, ये अलायंस को भी रिड्यूस करते हैं और केमिकल पेस्टिसाइड को, ठीक है, और ये हेल्प क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं हमारे रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को भी, ठीक है बच्चों। बच्चों ये क्या करता है, ये इंक्रीज़ कर देता है हमारा मिनरल्स को, ठीक है, जो कि हमारा प्लांट यूज़ करता है, ठीक है, एनहेंस कर देते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू, विटामिन्स ए रिच, जैसे कि राइस है, ठीक है। तो ये जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तो इंक्रीज़ कर देता है हमारे मिनरल्स, ठीक है, प्लांट में, ताकि जो राइस वगैरह कुछ भी हो उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स मिनरल्स हर कुछ पाया जाए, ताकि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो अच्छा हो, ठीक है बच्चों। और जो हमारा जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है, वो हमारा क्या है, वो हमारा पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट जो कि डिक्रीज़ करता है हमारे पेस्टिसाइड को यूज़ करके, ठीक है। और जो हमारे BT टॉक्सिन, ये प्रोड्यूस होता है हमारा बैक्टीरियम से, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बैसिलस टेनोजीनियस कहते हैं बच्चों, साइंटिफिक नेम है, ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा एक बैक्टीरिया है, ठीक है बच्चों। जो हमारे जो BT टॉक्सिन है, ठीक है, एक टाइप का जीन है जो कि क्लोन जो लिया किससे गया है, ये हमारा बैक्टीरिया से लिया गया है, और ये एक्सप्रेस किस में किया गया है, हम प्लांट्स में किया गया, ताकि वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके इंसेक्ट, ताकि वो जो इंसेसाइड है वो उसको हार्म ना करे, इफेक्ट ना करे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बायो पेस्टिसाइड भी बोलेंगे, ठीक है बच्चों। इसका और एक एग्जाम्पल है बच्चों, BT कॉटन, ठीक है, BT क्रॉन, राइस, टमाटो, पोटैटो, सोयाबीन और बहुत कुछ, जो हमारे BT कॉटन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा बैक्टीरियम बैसिलस टेनोजीनस है, ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, एक टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जो क्या किल करता है, इंसेक्ट किल करता है, जैसे कि हमारा लेपिडोपेट्रेनियंस और हमारा केलियोपेट्रेनियन, ठीक है, जिसको हम बिटल्स और डाइपेनियन फ्लाइस मॉस्किटोज भी कहते हैं, ठीक है। जो बी टर्नियोजीनस है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक टाइप का क्रिस्टल प्रोड्यूस करता है, जिसमें कि क्या होता है, जिसमें टॉक्सिन होता है जो कि इंसेसाइडल्स प्रोटीन की तरह एक्ट करता है, ठीक है बच्चों। और जो ये जो होता है, ये टॉक्सिन प्रोटीन जो होता है, ये प्रेजेंट रहता है बैक्टीरियम, ठीक है, जो कि इनएक्टिव होता है, प्रोटॉक्सिन होता है, ठीक है, जो इंसेक्ट है वो इंडाइजेस्ट कर देता है, क्यों, क्योंकि जो एल्केनिक एल्कलीन pH के वजह से, ठीक है, जो कन्वर्ट हो जाता है हमारे एक्टिव फॉर्म में, ठीक है, तो ये बाइंड कर देता है सरफेस को, मेटोकिट को, एपिथेलियम सेल को, और क्या प्रोड्यूस करता है, पोर्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो सेल है वो स्वेलिंग हो जाता है और इवेंचुअली डेथ हो जाता है इंसेक्ट का, ठीक है बच्चों। बच्चों जो जीन बी टर्नोजीनेसिस है, ठीक है, ये इनकॉर्पोरेटेड होता है सर्वल क्रॉप्स में, जैसे कि कॉटन, मेज, राइस और बहुत सारे, ठीक है बच्चों। जो टॉक्सिन होता है ये कोट करता है हमारे जीन, जिसको जो क्राइबी होता है, ठीक है, और जो हमारा जो प्रोटीन कोट है वो हमारा जीन CryAB होता है, ठीक है, और CryAB जो कंट्रोल करता है हमारे कॉटन
बॉम्ब्स को, ठीक है, और आईएबी जो कंट्रोल करता है कॉर्न बॉरर को, ठीक है बच्चों। और जो हमारा जो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट है, ये नर्मोटोड्स होते हैं जैसे कि मेलोरोजाइन, जो इनकोजीनियस इफेक्ट करता है हमारे रूट जैसे कि तंबाकू प्लांट्स, और हमारे जो कॉज करता है हमारा रिडक्शन एड में, ठीक है। और जो इन्फेस्टिशन होता है ना, जैसे नर्मोटोड, वो हमारा क्या प्रिवेंट करता है, वो हमारा आरएनए प्रिवेंट करता है, ताकि तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आरएनए आईवी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्फेरेंस होता है। ओके बच्चों, जो हमारा जो आरएनए होता है, ये हमारा प्रेजेंट होता है सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, जो कि मोस्टली सेलुलर होते हैं, ठीक है। और जो इनमें क्या होता है, स्पेसिफिक एमआरएनए होता है, ताकि ये हमारा जो कम्प्लीमेंट्री डीएस आरएनए है मॉलिक्यूल्स है, ताकि वो बाइंड कर सके और क्या प्रिवेंट करे, ट्रांसलेशन में हेल्प करे, ताकि वो एमआरएनए बन जाए, ठीक है बच्चों। बच्चों अब है हमारा बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ठीक है। तो इनमें हम मेडिसिन की बात करेंगे, ठीक है। जो हमारा जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि ये हमारा इमर्स इफेक्ट करता है, ठीक है, एरिया हेल्थ केयर को, ठीक है, जो एनेबलिंग कर देता है मास प्रोडक्शन, जो कि सेफ होता है और बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है थेरोपैटिक, उसको ड्रग्स भी कहते हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट जो कि 33 कॉम्बिनेट थेरापेटिक्स होते हैं, जो अप्रूव्ड हो गया ह्यूमन के लिए, ताकि वो यूज़ कर सके वर्ल्ड ओवर, ठीक है बच्चों। और जो हमारे जो इंडिया है, ठीक है, हमारे इंडिया में 12 प्रेजेंट है, जो कि मार्केट में भी है। जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग इंसुलिन है, वो हमारे एडल्ट्स में होते हैं, जिसकी वजह से जो क्या करते हैं, डायबिटीज कॉज कर सके, ताकि वो कंट्रोल कर सके इंसुलिन, ताकि वो रेगुलर टाइम में, ठीक है। इसका मेन सोर्स है इंसुलिन का, जो आइसोलेटेड किया गया हमारे इंसुलिन एनिमल से, ठीक है बच्चों, जो कि पैनक्रिया रिलीज करता है हमारा इंसुलिन। जो बच्चों इंसुलिन है, ये हमारा आज के टाइम में जो इंसुलिन है, ये किससे ऑप्टेन किया गया है, बैक्टीरिया से ऑप्टेन किया गया है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी मेथड से जो इंसुलिन है, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट है हमारे पैनक्रियास से, ठीक है। और वो हमारा सेल्ट्रेट कैटल से लिया गया था और पिक से लिया गया था, बट जो इंसुलिन है, ठीक है, ये जो कि डेवलप करता है एलर्जी और अदर टाइप का रिएक्शन, जो कि फॉरेन प्रोटीन की वजह से, ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया था, जो हमारा जो इंसुलिन है, ये पहले कहाँ से लिया गया था, पैनक्रिया, सेल्ट्रेट कैटल और पिग से लिया गया था बच्चों, इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। बच्चे जो इंसुलिन होती है ना, ठीक है, उनमें दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, चेन ए चेन बी, ठीक है, जो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से डाइसल्फाइड ब्रिज की मदद से, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है बच्चों जो हम अगर ह्यूमन की बात करें, ठीक है, जो इंसुलिन है, ये सिंथेसिस करता है एज अ प्रो हार्मोन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेच्ड होता है, जिसको हम सी पेप्टाइड कहते हैं, जो कि जो एब्सेंट होता है मैच्योर इंसुलिन में, ठीक है। इसका मेन चैलेंज होता है, ये प्रोडक्शन करता है इंसुलिन का, जब आरडीएनए टेक्निक, जो कि इंसुलिन असेंबल हो जाता है हमारे मैच्योर फॉर्म में, ठीक है बच्चों। और जो हमारा जो अमेरिकन कंपनी थी ना, एली लीसी, इन 1983 जो कि प्रिपेयर करता है जिन्होंने प्रिपेयर किया था दो डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, जो कि एक दूसरे से क्रॉसपॉन्डिंग था, ए एन बी चेन, ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन में, जो इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे प्लास्मिड ई कोलाई, ठीक है, जिन्होंने क्या प्रोड्यूस किया था, जिन्होंने इंसुलिन चेन प्रोड्यूस किया था, ठीक है बच्चों। जो चेन ए चेन बी होता है, ये प्रोड्यूस होता है सेपरेटली, अलग अलग प्रोड्यूस होता है और एक्सट्रैक्ट होता है और कंबाइन होता है हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड से हमारे और वो हमारे क्या बनाता है, ह्यूमन इंसुलिन में, ठीक है बच्चों। अब है हमारे जीन थेरेपी। सो बच्चों जीन थेरेपी क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, जिसमें कि कलेक्शन होता है हमारे जीन डिफेक्ट का, जो कि डायग्नोसिस होता है हमारे चाइल्ड और एम्ब्रियो में, ठीक है, चाइल्ड और एम्ब्रियो मतलब कि जब जो कोई मदर है जो प्रेग्नेंट है, उसमें ये डायग्नोस में हेल्प होता है, ठीक है। इस मेथड जो होता है, ये अप्लाइड होता है एक पर्सन में,
जो कि हेरिडिटी डिजीज से। ठीक है बच्चों, और जो ये जो मेथड है ये जीन इंसर्ट हो जाता है ठीक है पर्सन सेल्स में और टिश्यूज में, तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, ट्रीट करता है डिजीज़ को। ठीक है, ठीक है बच्चों, और ये जो होता है ये करेक्शन करता है हमारे जीन डिफेक्ट को। ठीक है, जिसमें कि जो डिलीवरी होता है नॉर्मल जीन का, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स और एम्ब्रियो होता है वो जिनका फंक्शन और जिनका कंपेंसिटी होता है ये नॉन फंक्शनल जीन होता है। ठीक है बच्चों, जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी था ये कब हुआ था, ये 1919 में हुआ था, एक 4 साल की लड़की में, जो कि था एडोसिन डाइसमिन DADA ठीक है डिफिशेंसी। सो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मॉलिकुलर डायग्नोसिस। इनमें क्या होता है कि एक कन्वेंशनल मेथड होता है डायग्नोसिस का, जिसमें कि यूरिन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, पहले के ज़माने में नहीं होता था, बट अब ये होने लगा है, जिनमें कि क्या होता है कि पैथोजन और ये वायरस डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये फॉलोइंग मेथड या डायग्नोसिस करते थे। ठीक है, तो पहला है हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, दूसरा है पॉलीमर चेन रिएक्शन, तीसरा है हमारा एंजाइम लिंक एमिनो सॉर्बेट एंजाइम, जिनको हम क्या कहते हैं, एलिसा भी कहते हैं। ठीक है, इनका सिम्टम क्या होता है कि ये जो होता है ये कंसंट्रेशन हो जाता है पैथोजन का, जो कि इंक्रीज कर देता है सिग्निफेंस। ठीक है, और जो ये जो लो कंसंट्रेशन होता है बैक्टीरिया और वायरस का, जो कि डिटेक्ट करता है हमारे एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो कि PCR के मदद से करते हैं। ठीक है बच्चों, और जो ये जो होता है ये डिटेक्ट करता है म्यूटेशन इन जीन इन कैंसर पेशेंट को भी, और जो PCR है ठीक है ये यूज्ड होता है हमारे डिटेक्ट करने में कि HIV है या नहीं है, और सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट को भी। ठीक है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ये डिटेक्ट करते हैं PCR टेक्निक के मदद से। ठीक है बच्चों, और जो हमारे जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA और RNA होता है ना, जिनमें कि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अलाउ करते हैं हाइब्रिडाइज कॉम्प्लीमेंट्री DNA क्लोन्स को, जो कि फॉलो करते हैं हमारे डिटेक्शन ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से। जो कॉल क्लोन होता है वो म्यूटेड जीन हो जाता है, जो कि अपेयर नहीं होता है हमारे फोटोग्राफिक फिल्म में। जो एलिसा होता है वो हमारा बेस्ड होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन में। ठीक है बच्चों, और जो इन्फेक्शन होता है ना ये होता है पैथोजन की वजह से, जो डिटेक्ट करते हैं हमारे, ठीक है, डिटेक्ट होता है और इनमें प्रेजेंट होता है एंटीजन, जैसे कि प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, और ये डिटेक्ट करते हैं हमारे एंटीबॉडी सिंथेसिस, जो कि अगेंस्ट होता है हमारे पैथोजन के। ठीक है बच्चों, अब है हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, इनमें DNA मैन्यूपुलेटेड होता है, जो कि एक्सप्रेस करते हैं फॉरेन जीन, जिनको क्या बोलते हैं, जिनको स्ट्रेंजेनिक एनिमल्स भी बोलते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जैसे कि माइस रेट रैबिट पिग शिप काओ फिश, जो कि जिनमें कि प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, जो पहला है इसमें नॉर्मल फिजियोलॉजी। नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या होता है कि ये डेवलप करता है, जो अलाउ करता है इन, मतलब कि इनमें हम पढ़ते हैं जीन रेगुलेशन और उसके इफ़ेक्ट। ठीक है, एक नॉर्मल फंक्शन और बॉडी में, ठीक है, इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे अदर स्पीसीज़ में, ताकि ये इंफॉर्मेशन दे सके और हम इसके बारे में स्टडी कर सके अच्छे से और इसका रिजल्ट भी। ठीक है, अब है हमारा स्टडी ऑफ डिजीज़। तो इनमें क्या होता है कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं ना ये इंक्रीज़ कर देता है हम, जो कि जीन है वो कंट्रीब्यूट करता है और कैसे डेवलप करता है डिजीज़। और जो हमारे जो ट्रांसजेनिक मॉडल्स होते हैं ना, ठीक है, उनमें डेवलप हो जाता है डिजीज़, जैसे कैंसर साइटिक फाइबर्स। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे डिजीज़। ठीक है, अब है हमारा बायोलॉजिकल प्रोडक्शन। बायोलॉजिकल प्रोडक्शन में क्या होता है कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं ना वो प्रोड्यूस करते हैं यूज़फुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो क्रिएट करता है, जो मतलब कि इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो जीन जो DNA जो कोड करता है हमारे ह्यूमन प्रोटीन को, जो कि α1 एंटी ट्राइफिन भी बोला जाता है। ठीक है, जो ट्रीट करता है हमारा एम्फीसेमा को भी। ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ था रोसमी, जो प्रोड्यूस किया गया था ह्यूमन प्रोटीन अनरिच्ड मिल्क में। ठीक है, जिसको नाम है अल्फा लैक्टल बेडियम 2.4 लीटर। ठीक है बच्चों, अब है हमारा वैक्सीन सेफ्टिन। तो इनमें क्या होता है कि वैक्सीन सेफ्टी, तो इनमें क्या होता है कि जेनेटिक माइस है, ठीक है, वो डेवलप होता है यूज होता है टेस्टिंग के बाद, पर वो सेफ होना चाहिए जब हम यूज करें ह्यूमन में। ठीक है, पोलियो वैक्सीन जो कि मतलब टेस्टेड किया गया था ट्रांसजेनिक माइस में और मॉन्की में। ठीक है बच्चों, अब है हमारा केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं ना ये
इनमें क्या होता है कि ये जो कैरी करते हैं, ठीक है, जो जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं सबसे, इसलिए नॉन टॉक्सिक एनिमल्स में नहीं करते ताकि ये रिज़ल्ट कम दे सके। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।